नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे, और कुछ स्टॉक्स का बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी लोट देता हूँ, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि और एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, उसमें आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और एंजल बुकिंग आस्था ट्रेड डेली ब्लू अपस्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप लोग को बहुत ही फायदा है और मेरी तरफ से भी बेनिफिट दिया जाएगा। और मेरा ट्रेनिंग बुकिंग जो भी अटेंड कीजिए, इसमें आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा, जो आप लोगों को 10 गुना 20 गुना ज़रा खर्चा करके भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल सब डिटेल्स में सीखा था। और मार्केट कंडीशन में क्या सिचुएशन हो सकता है लाइव मार्केट में, वो भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को इंडिपेंडेंटली ट्रेड का टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है और लाइफ मतलब आप लोग प्रॉफिट में रह सकता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है। पहले मंथली चार्ट में जाता हूँ, इसमें मंथली चार्ट कैसा लग रहा देखते हैं। तो देखिए, इधर से एक बियरिश कैंडल इसमें बना है, लेकिन इधर में जो कंजेशन है, तो मतलब ये जो कंजेशन आप लोग दिख रहा है, ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इधर से एक बियरिश कैंडल तो इसमें बना है, और इधर से इसका जो अभी इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है 17,493, जो लास्ट दिन का जो लो था वही सपोर्ट इसका रह गया, ठीक है। और आरएसआई का देखेंगे तो ये अभी तक आरएसआई मंथली चार्ट में मंथली चार्ट में थोड़ा सा देखिए 60 का नीचे आया है। मंथली चार्ट में आप लोग आरएसआई थोड़ा सा 60 का नीचे दिख रहा है, अच्छा। और डेली वीकली चार्ट में देखता हूँ, वीकली चार्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये जो जोन है, ये जो आप लोग जोन दिख रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। ये जो जोन दिख रहा है, एक्चुअली मैंने दिखाना चाहता हूँ एक मिनट, ये जो जोन दिख रहा है, ये जो कंजेशन जोन है ना, ये जो इधर से देखिए, ये इतना कंजेशन जोन है, तो ये जोन में बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट जोन काम करेगा। तो इसका नीचे आएगा तो ये मतलब और भी मतलब 17,200 का लेवल तो आ सकता है, उसके बाद 16,750 का लेवल इसमें आ सकता है, ठीक है। और वीकली चार्ट में देखिए, ये आरएसआई 50 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। और डेली चार्ट में जाता हूँ, डेली चार्ट में देखते हैं आरएसआई, ये भी आरएसआई 50 के ऊपर है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है, मतलब लेकिन इधर से इसका ये सपोर्ट जोन है, ये जो जोन बना है इधर से, ये जो जोन है इधर से इतना दूर तक, ठीक है, ये जो जोन दिख रहा है, तो ये जो जोन है इसमें ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा फिलहाल। तो इस जोन के नीचे आएगा तो ये 17,000 सोच लीजिए 17,600 चल रहा है, तो इधर से ये 17,342 इसका नीचे 17,192 तक इसमें आने का प्रोबेबिलिटी बनता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने सब इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाता हूँ, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 17,628 इसके ऊपर, 17,780 ठीक है इसके ऊपर, 17,870 इसके ऊपर, 17,979 17,822 18,086 18,151 18,200 नीचे का जो सपोर्ट है 17,493 एक सपोर्ट का तरह काम करेगा, इसके बाद 17,400 इसके नीचे 17,364 के नीचे कुछ गैप जा रहा है, 364 के नीचे 17,178 तक आ सकता है, उसका नीचे 17,000 और उसका नीचे 16,856 ठीक है। तो और इंटरडे में आप लोगों को दिखा देता हूँ, इंटरडे में देखिए इसमें ये जो लेवल है 17,630 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा, इसका ऊपर 17,675 इसका ऊपर 17,885 ठीक है, इसका ऊपर ये ऊपर जा सकता है 17,880 तक ये जा सकता है। तो और जो अपसाइड का लेवल है वो आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है, और नीचे जो लो ब्रेक करेगा तो ये अगला दिन का लो ब्रेक करेगा तो नीचे 400 तक आ सकता है, उसके बाद 364 और उसके बाद जो दिखा है ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, और बैंक निफ्टी का देखता हूँ,
निफ्टी बैंक का देखते हैं। पहले तो मंथली चार्ट में जाता हूँ। मंथली चार्ट में देखिए इसका जो लेवल, मंथली चार्ट में जो लेवल दिख रहा है अच्छा, मंथली चार्ट में देखिए बैंक निफ्टी इतना दूर तक आया है, लेकिन इधर से एक सपोर्ट में है 39,770, इसमें एक सपोर्ट है, इसका नीचे 39,592 590, उसके बाद 417 ठीक है मंथली चार्ट में। और डेली मंथली चार्ट में रेजिस्टेंस है 43,600, इसका ऊपर 43,044,223 ठीक है। और इधर से इसका वीकली चार्ट में देखता है अच्छा, इसका RSI का पोजीशन एक बार देख लेते हैं मंथली चार्ट में। ये अभी तक 60 का ऊपर दिख रहा है ठीक है। और वीकली चार्ट में देखता है, वीकली चार्ट में देख लेते हैं, वीकली चार्ट में इसका RSI 50 या 60 का नीचे 50 का ऊपर दिख रहा है ठीक है। वीकली चार्ट में ये 44,100 का आसपास इसका सपोर्ट दिख रहा है, इसका नीचे 34,484, इसका नीचे 37,592 ठीक है। और अपसाइड में 43,263 और 43,444,848 ठीक है। और डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में इसका जो इधर रेजिस्टेंस है ठीक है, इधर रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है, इधर एक सपोर्ट दिख रहा है, इधर एक सपोर्ट दिख रहा है ठीक है, इधर रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है और इधर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ठीक है। तो इसमें जो दिख रहा है, तो इसका जो सपोर्ट दिख रहा है फिलहाल ये अगला दिन का लो ठीक है, अगला दिन का लो है 44,345, इसका नीचे का जो लेवल दिख रहा है 38,813, इसका नीचे 37,666 और इसका नीचे और भी नीचे दिखेगा 36,021 ठीक है। और अप साइड में इसका जो रेजिस्टेंस है 41,500 का ऊपर 43,000 का ऊपर 43,900 ठीक है। ये सब अपसाइड का लेवल्स इसका दिख रहा है, दिखेगा। तो मैंने कुछ कैलकुलेटेड लेवल भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी है ठीक है, इसका लेवल आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी है ठीक है। आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखिए, इसका ये पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट देखिए, निफ्टी का 16,660 में पिवट बना है और बैंक निफ्टी का 44,636 में ठीक है। इसका ऊपर का ये जो लेवल्स, ये अपसाइड का लेवल्स है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये सब अपसाइड का लेवल है, बैंक निफ्टी का ये सब अपसाइड का लेवल है। ये दोनों रो को आप लोग कंसिडर कीजिए ठीक है, ये दोनों रो को आप लोग देखिए, इसमें आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपसाइड का लेवल दिख जाएगा ठीक है। डाउन साइड का लेवल भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए डाउन साइड में 568 का नीचे और 520 का नीचे, सॉरी 510 का नीचे, ये सब नीचे का लेवल्स दिख रहा है ठीक है। और बैंक निफ्टी का ये सब लेवल्स, ये दोनों रो को आप लोग कंसीडर कीजिए। ये जो दोनों रो मेरा जो कर्सर है, ये दोनों में आप लोग कंसीडर करेंगे तो इसका लेवल आप लोग मिल जाएगा ठीक है। और ऑप्शन चेन को देखता हूँ, ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। देखिए इधर से को टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट 9,13,000 और ये 17,76,000, तो मतलब इसका जो PCR रेशियो है, सोच लीजिए 9,00,000 और 17,00,000 डिवाइडेड बाई सत्रह, तो इसमें PCR रेशियो कुछ 0.52 का आसपास है ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड लेगा, 50 के आसपास चलाया, 50 के थोड़ा सा नीचे आया, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब थोड़ा सा अपसाइड में ये रिट्रेस हो सकता है और फिर से इसका डाउनफॉल आ सकता है ठीक है। नहीं तो अपसाइड में जा सकता है, एक से ऊपर PCR रेशियो चला जाएगा तो ये अपसाइड भी जा सकता है ठीक है। अच्छा इधर से देखिए, 17,600 में इसका फिलहाल रेजिस्टेंस बना है ठीक है, और सपोर्ट इसका 17,500 में दिख रहा है, पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ठीक है। और इधर से देखिए
17,000 नेक्स्ट सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है 17,800 पे, ठीक है 17,800 पे और 17,700 पे इसका रेजिस्टेंस बना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। लेकिन इधर पुट कॉल शॉर्टिंग हो रहा है, इधर कॉल में शॉर्ट बिल्डअप और पुट साइड में इधर से लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, ठीक है पुट साइड में इसका लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। तो मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो रिट्रेसमेंट थोड़ा सा हो सकता है 17,750 17,800 का लेवल था, 17,800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और नीचे 17,500 का लेवल सपोर्ट होगा, ठीक है। इसी का बीच अभी अभी बजट का बजट सामने आए और न्यूज़ भी बहुत सारा चल रहा है, तो मार्केट में कोई भी दिशा में जा सकता है, लेकिन ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए ये 44,500 का जो लेवल है वो काम करेगा और 40,000 का रेजिस्टेंस का काम करेगा, 40,000 का लेवल इसमें सपोर्ट में काम करेगा। इसलिए भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है क्योंकि पीसीआर रेशियो मतलब 0.5 के आसपास आ गया, थोड़ा सा और भी नीचे आ सकता है 0.50 का नीचे, उसके बाद फिर से मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। वर्ल्ड मार्केट को एक बार देख लेते हैं, वर्ल्ड ग्लोबल के उसमें देखिए वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, 60 पॉजिटिव दिख रहा है थोड़ा सा, और डोजोन्स भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, नैसडैक भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जाना है। नैसडैक भी पॉजिटिव दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स नेगेटिव ही आएगा और थोड़ा सा पॉजिटिव वेरी वीक पॉजिटिव है जो एक रिट्रेसमेंट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को ठीक से देख से सेल ऑन डाइज बेसिस चलने का सही रहेगा। देखिए ये ओल्ड मार्केट डोजोन्स नैसडैक अपसाइड जाने के बावजूद भी ये डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा है। FIDI एक्टिविटी देख लेते हैं, FIDI एक्टिविटी देखिए 5,977 करोड़ FII ने सेल किया है, बहुत ही बड़ा सेल दिख रहा है, 1,000-2,000 करोड़ कर रहा था लेकिन ये लास्ट दिन 5,977 करोड़ का बहुत ही बड़ा फिगर में ये सेलिंग किया है। DII बाइंग किया है लेकिन नेट बाइंग इसमें नेट सेलिंग ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा सा बियरिश सेंटिमेंट है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अपसाइड जाए हो सकता है, मार्केट रिवर्सल आ जाएगा, ट्रेंड में रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस से रिट्रेसमेंट लेता है या रेजिस्टेंस के आसपास कैसा भी वो करता का कैंडलस्टिक पैटर्न और ओपन इंटरेस्ट का चेंज कैसा दिखता है, अपसाइड में ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पुट सेलिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा और चार्ट का बिहेवियर भी देखना पड़ेगा। तो उसके बाद नहीं तो रेजिस्टेंस के आसपास इसमें सेलिंग आने का प्रोबेबिलिटी बनेगा, ठीक है। अच्छा स्टॉक्स का कुछ देखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्टॉक्स को प्रिंट कर लेता हूँ, मैंने अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड में देखने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं हर साइड में, देखिए ऑटो सेक्टर में अच्छा कर रहा है, मैंने टाटा मोटर्स का लेवल दिखाना चाहूँगा, टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आगे जाएगा तो लेवल नेक्स्ट लेवल क्रॉस करेगा तो आगे जाने का प्रॉबिलिटी है। तो 451 टाटा मोटर्स का देखिए, 451 का जो है 451.60 का लेवल के ऊपर बाई हो सकता है, ठीक है। उसके 451.60 ठीक है, इसके ऊपर इसका 453.70 455 ठीक है 458 ये सब टाटा मोटर्स का अपसाइड का लेवल हो सकता है। बजाज ऑटो का देखूंगा, बजाज ऑटो का क्योंकि ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है इसीलिए आप लोग को ऑटो सेक्टर का बाई साइड में दिखाना चाहता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। इधर से देखिए ये 3985 के ऊपर बाई हो सकता है, 3986 के ऊपर कुछ बफर रखना पड़ता है, 3985-87 के ऊपर, इसके ऊपर 4,000-4,023-4,051 ये सब अपसाइड का बजाज ऑटो का देखने का। अच्छा डॉक्टर रेड्डी फार्माकोम भी थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, डॉक्टर रेड्डी 4,365 के ऊपर या 4,370 के ऊपर भाई हो सकता है, इसके ऊपर ये सब अपसाइड का लेवल डॉक्टर रेड्डी का है, ठीक है। ये आप लोग फिगर नोट कर सकता है, ठीक है। और ये तीनों दिखाता हूँ और भी है अपसाइड में,
तो अभी ये ना दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं डाउन साइड में, डाउन साइड में थोड़ा सा स्किनिंग कर लेता हूँ। तो इसके लिए इसका चेंज ये देखिए, ये जो ये है नियर 52 वीक लो है, ठीक है। ये जो लो दिख रहा है, तो नियर 52 वीक लो कौन सा दिख रहा है वो एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए इधर बाटा इंडिया, डिक्सन, आइडिया, इंडस्टावर, ठीक है, ये सबको अब लोग सेलिंग साइड में दिखाना चाहता हूँ। तो इसका देखिए ये 1400, बाटा इंडिया अभी LTP चल रहा है 1495, ठीक है। तो इधर से देखिए, इधर 1480 का नीचे बाटा इंडिया को सेल कर सकता है, ठीक है। ये सब नीचे का लेवल्स होगा, ठीक है, ये सब नीचे का लेवल्स है। और डिक्सन डिक्सन 2636 का नीचे सेल हो सकता है, ये सब नीचे का लेवल्स और नीचे का लेवल्स है। और इंडस्टार का आइडिया छोटा मोटा स्टॉक्स है, तो उसको इंटरडे में नहीं चलेगा। इंडस्टार को देखिए, इंडस्टार ये 134.7060 का नीचे सेलिंग करके ये सब नीचे का लेवल्स इसमें देख सकता है, ठीक है। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।